जो आप यह नारेबाजी देख रहे हैं, यह किसी नुक्कड़ या चौराहे पर नहीं हो रही, बल्कि यह शिमला जिला परिषद का कार्यालय है। जो यह नारेबाजी कर रहे हैं, वह कोई मजदूर या कर्मचारी नहीं है, बल्कि जिला परिषद के ही सदस्य है। आपको बता दें कि यह सभी काटन के बड़े दामों के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। उनका प्रदेश सरकार पर आरोप है कि अभी तक बागवानों को मुआवजा तक नहीं दिया है, जिसके चलते शिमला जिला परिषद की मासिक बैठक में सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य सदन के बीच में आकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। यह सिलसिला काफी देर तक चला और उसके बाद बैठक की कार्यवाही से वॉकआउट कर बाहर निकल गए। जिला परिषद के तहत बनाई गई उद्योग व बागवानी कमेटी के अध्यक्ष कौशल मुंटा ने कहा कि सरकार बागवानों की अनदेखी कर रही है। पहले जहां किसानों पर बेमौसमी ओलावृष्टि और बर्फबारी की मार पड़ी, जिसका मुआवजा तक किसानों को नहीं मिला है, वही अब सेब सीजन शुरू होते ही सरकार ने बागवानों को राहत देने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। काटन के दामों में 25 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बागवानों पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। इसको लेकर कई बार जिला उपायुक्त और सरकार के ध्यान में ये मामला लाया गया, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर माकपा ने उनका साथ दिया है, लेकिन गुहक के बाद यह है कि जो जिला परिषद में भाजपा के पदाधिकारी चुनकर आए हैं, वह इस संकट काल में किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा उन बागवानों को धोखा दिया जा रहा है जिन्होंने उन्हें चुनकर जिला परिषद में भेजा था। उन्होंने कहा कि बागवानी का प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में सरकार जो बागवानों की हितैषी बनती है, वो उनके हितों को अनदेखा कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि काटन के दाम कम करने और मुआवजा न दिया तो वह कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। वही अन्य सदस्यों ने भी सरकार से काटन के दाम कम करने और बागवानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। हमारे जो माकपा के जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने हमारा सहयोग दिया है, माकपा के सदस्य ने हमारा सहयोग दिया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। वो बागवान स्वयं भी बागवान है, जिन्होंने भाजपा के पार्षद ने हमारे जो मेंबर है उन्होंने सहयोग नहीं किया है, उनसे मैं बोलता हूँ कि जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनको उनसे पूछना चाहिए कि तुम बागवानों के चुने हुए नुमाइंदे हो और बागवानों की आवाज उठाने से छोड़ देते हो, लेकिन भाजपा तुमको याद रहती है इसलिए तुम साइड में बैठ करके वहां पर बैठे हो। मैं कहना चाहता हूं आज ये भाजपा के लोग जिस प्रकार से बागवानों के खिलाफ है, इनको बागवान लोग माफ नहीं करें, इस बात का ख्याल हमको मुआवजा नहीं मिला और कॉटन के रेट कम नहीं हुए तो मैं उससे भी इस्तीफा दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जिला शिमला के अंदर चुनकर बीडीसी चेयरमैन आए हैं, जिला परिषद आए हैं, वो अपने अपने जो है एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना इनके खिलाफ करें। बर्फबारी से हुआ, हमारे तूफान से जो नुकसान हुआ, इस नुकसान हुआ और जो क्रेटे जो क्रेट के लिए कह रहे कि हम क्रेट में सेब बेचेंगे और जो पेटियों का जो रेट है तो उसको बढ़ाया गया, तो इसके लिए इन्होंने आज हाउस में अपनी मांग रखी और इन्होंने हाउस को बाइकआउट किया। तो हम भी चाहते हैं सब जिला परिषद के जितने मेंबर है, हम समर्थन करते हैं कि किसानों और बागवानों का इनको जो हक है वो मिलना चाहिए। हमने एक दफा नहीं, हमने कई दफा हमने मुख्यमंत्री मोदी जी को ज्ञापन सौंपा, हमारे आदरणीय जो ठाकुर महेंद्र सिंह जी है हमने उनको ज्ञापन सौंपा, हमने अपने जिलाधीश मोदी जी को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि आप देखिए कि करोड़ों रुपए का इन्होंने पीछे कहा था कि 84 करोड़ का नुकसान हुआ। तो मैं आज आपके माध्यम प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये 84 करोड़ का नहीं, ये 500-600 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके लिए जितने भी हमारे जिला परिषद में यहाँ जितने भी आदरणीय सभी मेंबर साहिबान, इसके लिए सभी मेंबर समर्थन करते हैं कि भाई किसानों को वो मिलना चाहिए। आप देखिए कि सड़कों की क्या हालत है, सेब सीजन है, 10 दिन के बाद शुरू होना, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके लिए भी हम सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं, सड़कों का रखरखाव होना चाहिए। हमारे जो किसान और बागवान है उनका जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ अभी तक उनका मतलब कोई भी उनको समर्थन मूल्य नहीं मिला, यहाँ तक कि आप खाद के रेट देखिए, खाद का जो कट्टा 500 रुपए में मिलता था, 1000 रुपए में मिलता था, आज देखिए वो खाद का कट्टा 1800 रुपए का मिलता। आप वही सिविल सोसाइटी में देखिए, पीछे काफी समय से हम जो है भगवान इस मुआवजे की बात कर रहे हैं, पर सरकार ने आज तक हमें कोई क्लियर नहीं किया कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस मुआवजे को दिया जाए और हम आज इस मीटिंग को वॉकआउट करते हैं। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस
संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।